हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मार्ट विद टेस्ट पे। यहाँ पर अगेन आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, जो आपके घर में बड़े बच्चे सभी को बहुत पसंद आने वाली है। समर वैकेशन में बच्चों के लिए आप इस रेसिपी को बहुत आराम से ट्राई कर सकते हैं। झटपट बन जाने वाली एक ऐसी रेसिपी है जो आपको मोमोज की याद दिला देगी। बनाने बहुत ही आसान है और खाने बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आज की मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने ली हैं कुछ वेजिटेबल्स। आप अपनी मन चाहिए कोई भी ढेर सारी वेजिटेबल्स यहाँ पे ले सकते हैं। हमने यहाँ पे गाजर ली है ग्रेट करके, शिमला मिर्च और टमाटर हमने लिए हैं बारीक चॉप करके, और कॉर्न्स को यहाँ पे हमने पहले से ही बॉईल कर लिया है, और धनिया को हमने बारीक चॉप करके रख लिया है। आप अपने मन चाहिए कोई भी वेजिटेबल्स अपनी अवेबिलिटी के अकॉर्डिंग, बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले सकते हैं। सारी ही वेजिटेबल्स को हम ले रहे हैं एक बड़े बाउल में। छुट्टियों में स्पेशली बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज जैसी चीज़ों की फरमाइश करते हैं। आप घर बैठे ही उन्हें इस रेसिपी को बनाकर सर्व करिए, वो पिज़्ज़ा बर्गर मोमोज सब चीज़ों को भूल जाएंगे। उन्हें बहुत पसंद आने वाली ये रेसिपी है। और बस सारे ही वेजिटेबल्स को हमने यहाँ पे ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल में, और ऐड करेंगे करीब 3 से 4 चम्मच करीब हम मेयोनेज, और साथ में ही 3 से 4 चम्मच करीब ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे टमाटो केचप। साथ में ऐड कर रहे हैं बहुत ही हल्के से कुछ मसाले। ज़्यादा मसालों का इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आधी चम्मच करीब चिली फ्लेक्स। आप अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ओरिगैनो ले रहे हैं आधी चम्मच, साथ में ले रहे हैं आधी चम्मच नमक। नमक हल्का सा कमी रखना है इस रेसिपी में। और साथ में ही यहाँ पर हम लेंगे 1/4 चम्मच करीब गरम मसाला। और बस सारे ही इन्ग्रीडियंट्स को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर देना है, जिससे कि सारी ही वेजिटेबल्स के ऊपर सारे ही मसाले और टमाटो केचप मेयोनेज़ सब अच्छे से कोट हो जाएं। इसलिए बिल्कुल अच्छे से हमने सारे ही वेजिटेबल्स को मिक्स कर लेना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ले रहे हैं ब्रेड, जिसके हमने सारे ही कोने हटा लेने हैं। आप वाइट ब्राउन कोई भी ब्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। लेंगे एक बाउल में पानी और हल्का सा इन्हें डिप करते हुए हमने हाथ से इस तरह से हल्के हाथों से ही प्रेस करना है, और जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है वो हमने निकाल देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे हमारे पास छोटे वाली और ब्रेड थोड़ी पतले वाली अवेलेबल है। अगर आपके पास थोड़ी सी मोटी और बड़ी ब्रेड अवेलेबल हो तो इस रेसिपी के लिए वो लीजिएगा, तो आपको स्टफ़ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने हमारी वेजिटेबल्स को रख दिया है, और बस इन्हें हमने हल्के हाथों से इस तरह से बंद कर लेना है, यानी पैक कर लेना है हमारी ब्रेड को। और बस इसी तरह से हमने हमारी सारी ही ब्रेड को पैक करके रखना है पानी में, हल्का हल्का सा डिप करते हुए इन्हें हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, और करीब 1-1 चम्मच या ब्रेड के साइज़ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टफिंग को रखना है। और बस इनकी साइड्स को पकड़ते हुए कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इन्हें पैक करके तैयार कर लेना है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, सेम प्रोसेस के साथ कितनी भी स्लाइसिस को बस इसी तरह से पैक करके तैयार कर सकते हैं। वैसे तो इस ब्रेड से भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई है, लेकिन अगर ब्रेड हल्की सी बड़ी और थिकनेस में हल्की सी मोटी हो तो इस रेसिपी को बनाने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने सारी ही ब्रेड्स अपनी नीड के अकॉर्डिंग पैक करके रख ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और बस चलेंगे गैस की तरफ, और बस थोड़ी सी सेटिंग करेंगे बिना गैस चलाए। अभी गैस पर हमने रखा है पैन। आप चाहें तो पहले सारी तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद ही गैस पर पैन रखिएगा। यहाँ पे हमने सीधा गैस पे पैन रख दिया है। बस अभी हमारी गैस बंद है। यहाँ पे हम लगा रहे हैं थोड़ा सा घी पैन के ऊपर। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ करा है देसी घी, और पैन पे कुछ इस तरह से हमने हमारे देसी घी को लगा दिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम रखेंगे हमारी सब्जी से स्टफ्ड ब्रेड। ज़्यादा दूर दूर नहीं रखा है, बस हल्का हल्का सा स्पेस देते हुए हम हमारे इस ब्रेड को सेट कर देंगे हमारे इस पैन में। अगर पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग आपके पास स्टफ्ड ब्रेड ज़्यादा हो तो आप सेकंड बैच में इस प्रोसेस को कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी ही ब्रेड को अभी रख दिया है, और हल्का हल्का सा ऊपर से भी हमने घी या बटर इनके ऊपर लगा देना है। एक एक करके सारे ही पीसीस के ऊपर हमने लगाना है घी या बटर, जो भी लगाना चाहें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने सारे ही हमारे सब्जियों से भरे हुए इस ब्रेड के ऊपर घी को लगा दिया है। और बस अब यहाँ पर हम स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सारे ही पीसीस के ऊपर हमने हरे धनिए को स्प्रिंकल कर देना है। ये खाने में तो अच्छे लगेंगे ही, साथ ही साथ देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे जब आप इन्हें सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने हरे धनिए को स्प्रिंकल कर दिया है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं चीज़। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कितना ही चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं। बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ की क्वान्टिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने भरपूर मात्रा में चीज़ डाला है। आप फ्रेंड्स चाहें तो स्टफिंग में भी चीज़ थोड़ी सी डाल के स्टफ़ कर सकते हैं।
हमने यहाँ पे मोजरेला चीज़ यूज़ करा है, जिसे हमने पहले से ही थोड़ा बारीक ग्रेट करके रख लिया था, और उसके बाद यहाँ पे हमने हमारे इस नाश्ते के ऊपर अच्छे से डाल दिया है चीज़ भर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। और गैस की फ्लेम को इस लेवल पे हमने ऑन कर दिया है, गैस अभी हाई फ्लेम पर है, इसे बस एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रहने देंगे। इतने हम यहाँ पे स्प्रिंकल कर रहे हैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और साथ ही थोड़ा सा ओरिगैनो चिली फ्लेक्स सब्जियों के अंदर भी है, तो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे चिली फ्लेक्स का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो स्प्रिंकल कर दिया है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दिया है, और पूरा 5 मिनट के लिए हमने इसे कवर करके रखना है। ज़्यादा की नीड नहीं है, बस पूरे 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसे कवर करके रख दीजिएगा। और बढ़िया तरीके से आप देखेंगे 5 मिनट में ही आपका नाश्ता बनकर सर्विंग के लिए तैयार है। चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, और देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये नाश्ता। तो हमने बस 5 मिनट में ही गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और बस चलेंगे इसे गर्मा गर्म सर्व करने। आप देख सकते हैं कितने ही झटपट और कितने आसानी से बन जाने वाला ये नाश्ता है। हल्का सा नीचे से सिका हुआ है, ज़्यादा नहीं, अंदर से सब्जियों से भरपूर, ऊपर से हल्की सी चीज़ी लेयर, बहुत ही अमेजिंग स्वाद के साथ बिल्कुल मोमोज को टक्कर देने वाला नाश्ता बनकर तैयार है। एक बार जरूर ट्राई करिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।